नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग तरीके का बिजनेस है जिसमें आपको उन कामों के पैसे मिलते हैं जिन कामों को आप पहले भी करते थे मगर आपको पैसे नहीं मिलते थे, जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। आप प्रोडक्ट तो बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका पूरा परिवार इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सारी चीजें आप बाजार से खरीद कर लाते हैं, यूज करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके बैंक बैलेंस में कितने का इजाफा हुआ किसी प्रोडक्ट को खरीदने की वजह से, प्रोडक्ट को खरीदने की वजह से आपके घर में कितनी इनकम आई, कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिली, कौन सी कंपनी में आपको पार्टनरशिप मिली, क्या कभी कुछ मिला भाई? ये त्योहार में होली दिवाली में छोटा मोटा आपको चना की तरह एक बोनस दे दिया कि कोई आपको डिस्काउंट दे दिया, वो आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, आप इतना पैसा लगा रहे हो उस बाजार में, आपके पैसों की वजह से वो बाजार चमक रहा है, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, बहुत सारे लोग पनप गए, लोगों के पास कार आ गई, लोगों के पास बंगले आ गए, आपके पास क्या आया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक उपभोक्ता के रूप में आपको मिला क्या? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से जब आप सामान खरीदेंगे तो आपको उन चीजों के पैसे मिलेंगे जिन चीजों के अब तक आपको कोई पैसे नहीं मिलते थे, यानी सामान खरीदने के आपको पैसे मिलेंगे। दूसरी चीज, आपको प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करने के पैसे आएंगे। यहां पर प्रोडक्ट को रेकमेंड तो आप पहले भी करते थे। मान लीजिए आपके पास कोई हीरो होंडा की मोटरसाइकिल है, अब वो हीरो होंडा की मोटरसाइकिल आपको बहुत पसंद है, आपको बहुत वो अच्छी चलती है, बढ़िया माइलेज देती है, उसका एवरेज भी बढ़िया है, तो आपको बहुत पसंद है। अब आपका कोई दोस्त अगर वो मोटरसाइकिल खरीदने की प्लानिंग कर रहा है और आपसे सलाह लेता है कि मुझे बताइए कि कौन सी मोटरसाइकिल अच्छी रहेगी मेरे लिए, मुझे कौन सी खरीदनी चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? जी हां, आप उसे बोलेंगे हीरो होंडा खरीद लो, मैंने चलाया है, बहुत बढ़िया है, तुम भी खरीद लो, तुमको भी ये अच्छा रिजल्ट देगी। आपने रेकमेंड किया, आपके रेकमेंडेशन पर मान लीजिए आपके दो दोस्तों ने हीरो होंडा की मोटरसाइकिल को खरीद लिया। अब आपके सलाह पर इन्होंने खरीदा, ये भी चलाएंगे, कोई पूजा करने के लिए तो खरीदा नहीं है, ये भी चलाएंगे, और जब ये चलाएंगे और इनको भी अच्छा लगेगा तो ये भी कुछ लोगों को रेकमेंड करेंगे। इन दो लोगों ने रेकमेंड किया, मान लेते हैं चार लोगों ने और खरीद लिया, उन चारों ने रेकमेंड किया, आठ लोगों ने और खरीद लिया, और धीरे धीरे पता चला कि हीरो होंडा कंपनी को आपने इंडिया की नंबर वन मोटरसाइकिल कंपनी बना दिया। ये नंबर वन कंपनी बनी कैसे? देखिए सर, किसी टीवी के विज्ञापन में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी कंपनी को नंबर वन बना दे, ये ताकत तो आपकी है, हमारी है, माउथ पब्लिसिटी की है, रेकमेंडेशन की ताकत है। आप रेकमेंड करते हैं अपने दोस्त को और आपका दोस्त, आपका पड़ोसी आपके रेकमेंडेशन पर विश्वास करके उन चीजों को खरीद कर लेकर आता है। मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और वो मूवी आपको अच्छी लगी, आप मूवी देखकर आ रहे हैं, आपके कोई दोस्तों ने पूछा कैसी मूवी है, आपने बोला बढ़िया है, आपकी सलाह पर दो चार लोगों ने देखा, उनको अच्छी लगा, उन्होंने भी सलाह दी और उनकी सलाह पर उनके नीचे कुछ लोगों ने खरीदा, ये भी बन गया एक नेटवर्क, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे सुपर डुपर हिट हो गई। अब इसको हिट किसने किया? जी हां, मैं अगेन आपसे कहूंगा इसको हिट आपने किया है, ये आपकी ताकत है, ये आपकी माउथ पब्लिसिटी है, ये आपकी रिकमेंडेशन की पावर है। लेकिन क्या बदले में आपको अब तक कुछ मिलता आया था रेकमेंड करने के बदले में? आप किसी डॉक्टर को हिट करा देते हैं, आप किसी मूवी को हिट करा देते हैं, आप किसी मोटरसाइकिल को हिट करा देते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को हिट करा दिया, बदले में आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अब वही काम आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़कर करते हैं, यानी चीजों को रेकमेंड करते हैं। आपने प्रोडक्ट यूज किया, उसके पैसे मिले, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, जो पैसे आ रहे हैं वो अच्छे लगे, तो आपने लोगों को रेकमेंड किया कि भाई तुम भी प्रोडक्ट यूज करो, बढ़िया प्रोडक्ट है, पैसे भी आएंगे, वो आ गए, उन्होंने यूज किया, अब उनके यूज करने से भी आपको पैसे मिलेंगे, यानी रेकमेंडेशन का आपको पैसा मिलेगा। और एक बार नहीं मिलेगा सर, ये आपको लाइफ टाइम मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा। जब जब वो लोग इस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग से प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको पैसे आते रहेंगे, उनको बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, और आपको बदले में इनकम मिल रही है, एक बिजनेस करने का मौका आपके पास भी है और उनके पास भी है। तो चूंकि ये थोड़ा नया बिजनेस है, अलग तरीके का है, उन कामों के पैसे आ रहे हैं जिनके पैसे पहले नहीं आते थे, तो एकदम से किसी की समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है शुरू शुरू में जब आप लोगों के पास लेकर जाते हैं तो आपके सामने मुश्किल आती है, लोग आपकी बात को नहीं समझते। दो चीजें जरूरी है कि आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो जाएं, और आज मैं उन्हीं दो चीजों पे आपके सामने यहां बात करने जा रहा हूं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सचिन अग्रवाल। दो चीजें जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आपके लिए जरूरी है, पहला है रीजन।
रीजन, यानी आपके पास इस बिजनेस को करने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। देखिए 80% लोग जिंदगी में नाकामयाब हैं, एक औसत जीवन जी रहे हैं, 20% लोग कामयाब हैं। यह है 80-20 का रूल। लेकिन ये जो 20% कामयाब लोग हैं, इनमें भी फिर दोबारा 80-20 का रूल अप्लाई होता है, और इसमें से 80% लोग, यानी अगर हम राउंड फिगर मिले तो 15% लोग इसमें से कामयाब हैं, लेकिन जो बचे हुए 5% लोग हैं वो बहुत ज्यादा कामयाब हैं। इन 5% लोगों में भी फिर 80-20 का रूल अप्लाई होगा। इन 5% में 4% लोग बेहद ज्यादा कामयाब हैं, और जो 1% लोग हैं साहब, उनकी पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है, पूरी दुनिया उनको सलाम करती है, यानी वो इन कामयाब लोगों से भी कई गुना ज्यादा कामयाब है। ये लोग पूंजीपति लोग हैं, ये 1% लोग। तो ये जो रूल हुआ कि 80% लोग औसत जीवन जीते हैं, 16% लोग सफल जीवन जीते हैं, 4% लोग अति सफल जीवन जीते हैं, और 1% लोग तो साहब बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। तो ये आपके सामने आंकड़ा है, ये आंकड़ा हर जगह काम करेगा। तो जब आप इस 80% की भीड़ से निकलकर 15% में जाना चाहेंगे, या 4% में जाना चाहेंगे, या ऊपर के 1% में आना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि आपके सामने चैलेंजेस नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। दो प्रकार का चैलेंज आएगा, एक आएगा भीतरी, एक आएगा बाहरी। भीतरी यानी आपके मन की कमजोरियां। आप अभी तक जो काम 20, 30, 40, 50 सालों में नहीं कर पाए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये बोला जाता है कि वो काम आप अगले 2-5 साल में कर सकते हैं, तो आपका मन एकदम से स्वीकार नहीं करेगा। किसी के बोलने पर यदि आपने ज्वाइन कर भी लिया तो भी थोड़ी सी मुश्किल आएगी, और आपका मन आपको वापस पीछे खींचेगा, आपका मन आपको वापस कमजोर करेगा। छोड़ अपने बस की बात नहीं है, अपन रहने देते हैं, ये अपने से नहीं होगा। तो आपका मन आपको वापस पीछे खींचेगा। आप उस परिस्थिति में टिके रहे, इसके लिए आपका रीजन, आपका कारण कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रवेश क्यों किया, क्या आप एक औसत जीवन जीकर संतुष्ट हैं, क्या पैसा आ जाए तो भी चलेगा, नहीं आ जाए तो भी चलेगा, अगर यह है तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप औसत जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप अपनी गाड़ी बदलना चाहते हैं, अगर आप अपना मकान बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को अपने देश के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, यदि आप पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, यदि आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, और यदि आप एक शांत की जिंदगी जीना चाहते हैं, और ये सब चीजें आपके लिए जरूरी हैं, तो आपको एक पेपर पर ये सारे कारण लिखने पड़ेंगे। अपना कारण, आपका कारण, कि क्या कारण है आपका। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए, आपका कुछ और कारण हो सकता है, कोई तो कारण होगा। देखिए इस बिजनेस को नहीं करने के मैं आपको कई कारण बता सकता हूं। हो सकता है आपको बोलना नहीं आता हो सकता है कि आप पढ़े लिखे ना हो सकता है कि आप महिला हो और आपके घर में रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकता है आपके पास टाइम ना हो सकता है आपके पास पैसा ना हो सकता है कि आप लोगों को कन्विंस ना कर पाते हो सकता है कि आपको लोगों को समझाना ना आता हो, आप संकोची प्रवृत्ति के हो, आपको शर्म आती हो, बहुत सारे कारण, हजारों कारण मैं गिना सकता हूं कि यह बिजनेस आप क्यों नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथ एक बात और कहता हूं कि यदि इस बिजनेस को क्यों करना है, वही अगर आपने एक कारण ढूंढ लिया कि मुझे ये चीज चाहिए और ये चीज मुझे कहीं और से नहीं मिल सकती, मैं वादा करता हूं वो चीज वो उपलब्धि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए जरूर मिल सकती है। तो अगर वो चीज आपने तय कर ली कि मुझे ये चाहिए और ये मुझे कहीं और से नहीं मिल सकती और मुझे चाहिए ही चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल सही जगह है, वो आप हासिल कर पाएंगे। लेकिन वो इच्छा जो आपकी है उसको आपको बहुत मजबूत करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, अपने रीजंस को डायरी पर लिखना पड़ेगा, उसको घर की हर दीवारों पे चिपका दीजिए, उसको बार बार विजुलाइज कीजिए, उसके बारे में दिन रात सोचिए, उसकी फोटोज देखिए, यानी अपने रीजन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी आप अपने मन की कमजोरियों से लड़ पाएंगे। तो पहली कमजोरी तो आपके मन के अंदर से आएगी, दूसरी कमजोरी आपको बाहर से आने वाली है। यानी जब आप 80% की भीड़ से निकलकर कामयाबी की तरफ जाएंगे, आपको क्या लगता है कि यह 80% लोग आपके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएंगे? अरे सर, ये आपको कमजोर करने के हर संभव प्रयास करेंगे। दो वजह है, पहली वजह यह है कि ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इनको लगता है ये 80% से बाहर अगर निकल गया तो फिर ये हमारी कम्युनिटी से बाहर हो जाएगा और ये आपको अपनी कम्युनिटी से बाहर होने नहीं देना चाहते, तो ये आपको ताने मारेंगे या पर व्यंग कसेंगे या आपके रास्ते में रुकावटें अपनाएंगे, और किसी भी तरीके से आपको इसी 80% नाकामयाब लोगों की भीड़ में रोक कर रखने का पूरा प्रयास करेंगे। और दूसरा कारण यह है कि ये लोग खुद अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए इनको ये भरोसा नहीं है कि इनके बीच का कोई आदमी निकलकर बड़ी कामयाबी ले सकता है, तो इसलिए ये रुकावटें अपनाएंगे। तो चाहे रुकावट आपके मन के अंदर से आती
आती हो चाहे रुकावट आपको बाहर से आती हो, दोनों ही रुकावट का एक ही समाधान है। आपका रीजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उस रुकावट से ना रुके, ना डरे, ना घबराएं और आगे बढ़ते जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग कामयाब हुए वो वही लोग कामयाब हुए जो हर रुकावट के बावजूद आगे बढ़ते गए। और वो क्यों बढ़ पाए, एक ही कारण था, उनके सपने बहुत स्ट्रांग थे। अगर आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, अगर आपके सामने निराशा आ रही है, तो चेक कीजिए कि क्या आपने अपने सपने लिखकर टांग दिए हैं, क्या आपने अपने डायरी पर अपने ड्रीम्स लिख दिए हैं, क्या आपको किस चीज की जरूरत है, आपका कारण क्या है, क्यों आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहते हैं, क्यों इतनी मुश्किलें झेलना चाहते हैं, क्यों सफल होना चाहते हैं, क्यों पैसे कमाना चाहते हैं, क्यों अमीर बनना चाहते हैं, क्या करेंगे उस पैसे का, क्या आपने स्पष्ट रूप से यह तय कर दिया है। नहीं किया तो आज ही कीजिए। तो पहला, आपका रीजन स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका विजन स्ट्रांग होना चाहिए। यदि आप इस इंडस्ट्री में बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं तो विजन से आएगी, वो कामयाबी विजन से आएगी। विजन मतलब क्या, दूरदृष्टि, यानी आने वाले कल को देखने की, कल्पना करने की शक्ति, जो होने वाला है, जो अभी तक हुआ नहीं, उसको देखने की कोशिश, उसको देखने का प्रयास, उसको विजुअलाइज करने का प्रयास, दैट इज कॉल्ड विजन। तो विजन भी दो चीजों का होगा, एक आपका पर्सनल विजन और एक नेटवर्क मार्केटिंग का विजन। पर्सनल विजन यानी आप अपने लाइफ में, लाइफ टाइम में क्या करना चाहते हो, क्या वैसी औसत जिंदगी, खाना कमाना मर जाना यही चाहते हो, या आप कुछ लोगों की मदद करके जाना चाहते हो, क्या कुछ लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हो, आप इस जीवन काल में क्या ऐसा करना चाहते हो जिस काम के रूप में आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें, आप कहां तक जाना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो, किस ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो, कैसा नाम होना चाहिए आपका, कैसा सम्मान होना चाहिए आपका, आपका आने वाला 5 साल 10 साल 20 साल बाद का जीवन कैसा होना चाहिए। तो ये इट इज कॉल्ड विजन, आपका पर्सनल विजन। तो क्या आपने अपना पर्सनल विजन तैयार किया है, 5 साल बाद का 10 साल बाद का 20 साल बाद का लाइफ टाइम का, कितने लोगों की मदद करना है, समाज के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, माँ बाप के लिए क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, पत्नी के लिए क्या करना है, खुद के लिए क्या करना है, क्या जीवन, कैसा जीवन जीना है। ये तो हो गया आपका पर्सनल विजन। दूसरा हो गया कि आपका इस नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या विजन है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे अफसोस होता है कि कई लोग आते हैं 25-50 हजार लाख रुपया महीना कमाकर संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो इतने इनकम पे तो आ गए, अब आगे जो आएगा तो ठीक है, जैसे जैसे आएगा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ठीक है, बहुत ज्यादा हमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हमें बड़े सपने देखने हैं, बहुत बड़ा प्रयास अब करने की जरूरत नहीं है। यानी वो 50,000-1,00,000 पर आकर के सैचुरेट हो जाते हैं, उनको लगता है इससे आगे तो अपने आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। अरे सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 25-50 हजार लाख रुपए महीना कमाने के लिए बनी नहीं है। ये इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ी जिंदगी दे सकती है, बहुत बड़ी जिंदगी, आप जिसकी शायद अभी ठीक तरीके से कल्पना भी ना कर पाए। उतना पैसा यहां से आएगा, उतना मान सम्मान यहां पर आएगा, उतने लोगों की आप मदद कर पाएंगे, आप देश के लिए कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। देखिए, पूरी दुनिया के लोग इस नेटवर्क इंडस्ट्री की वकालत तो बहुत समय से कर रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े संगठन के लोग, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े चिंतक, ये इस नेटवर्क इंडस्ट्री को लगातार प्रमोट कर ही रहे थे। अब हमारे देश में भी आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे देश की सरकार के अलग अलग मंत्री लगातार नेटवर्क मार्केटिंग के पक्ष में बयान दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। कारण सिर्फ यही है कि सबकी समझ में आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग अकेली इंडस्ट्री है जो हर सामान को बाजार में एक नंबर पर बिकने का एक रास्ता उपलब्ध करवाती है, देश को रेवेन्यू आता है, देश की सरकार को रेवेन्यू आता है, देश के विकास में वो रेवेन्यू काम आता है, सारा व्यापार एक नंबर पे हो जाता है। और दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही इतने सारे लोगों को रोजगार दे सकती है। एक सरकार के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने देश के इतने सारे लोगों को रोजगार दे दे, लेकिन वो रोजगार अगर कहीं से मिल सकता है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से मिल सकता है। तो ये सरकारों को भी समझ में आ गया, आपको कब समझ में आएगा, सबको समझ में आ रहा है साहब, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के समझ में आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कब समझ में आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग का विजन 25-50 हजार लाख रुपए महीना कमाने के लिए नहीं है, आप डिजाइन करो, अपना विजन तय करो, नेटवर्क से आपको कहां तक जाना है अगले 5 साल 10 साल 20 साल आप तय करो। अरे सर, आपके बच्चे अगर आज मान लीजिए छोटे हैं, कल जब वो बड़े होंगे तब तक अगर आपने पूरे विजन के साथ ये बिजनेस किया है, यकीन मानिए वो बच्चे किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के बच्चों के बराबर खड़े होने की क्षमता हासिल कर पाएंगे, बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे,
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो 30 40 50 सालों से हैं, वो इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, उनके बच्चे अगर हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो जो लाइफस्टाइल वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, वो जो जीवन पर्सनल प्लेन मेंटेन कर रहे हैं, पर्सनल बंगला मेंटेन कर रहे हैं, बहुत कई एकड़ जमीन में उनका खुद का मकान है, कई लोगों ने तो अपना खुद का टापू खरीद लिया है, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको कहां लेके जा सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के बाद महीने का 50,000 रुपया कमाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चों को कोई जॉब करनी चाहिए या कोई दूसरा बिजनेस भी साथ में करना चाहिए, तो फिर आपका विजन क्लियर नहीं है, फिर आप इस बिजनेस को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। अरे शुरुआत की बात अलग है, शुरुआत की बात अलग है, लेकिन जब अगर बिजनेस समझ में आ गया आपका, तो पूरा फोकस आपका और आपके परिवार का अगर आपने इस बिजनेस के ऊपर कर दिया, यकीन मानिए नेटवर्क इंडस्ट्री आपको बहुत बड़े मुकाम पर लेकर जाएगी और आपके वजह से हजारों लाखों लोगों का जीवन बदलेगा। लास्ट में एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये सब कुछ रीजन विजन आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये सब कुछ मिलेगा जो इस इंडस्ट्री में हर व्यक्ति के लिए सुलभ है, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि आपको इस इंडस्ट्री को सीखना पड़ेगा। चूंकि ये नया काम है, चूंकि ये नया व्यापार है, चूंकि ये नया तरीका है, लोगों को समझाना कैसे है ये आपको सीखना पड़ेगा, लोगों को बताना कैसे ये सीखना पड़ेगा, लोगों से काम करवाना कैसे ये सीखना पड़ेगा। सर लोग पाना सब कुछ चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते, और उन लोगों से काम करवाना है जो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे करवाना है सब कुछ सीखना पड़ेगा। और आपकी अपलाइन आपको सिखाएंगे, आपकी कंपनी का सिस्टम आपको सिखाएगा, और इसी मकसद से मैंने अपना ये चैनल बनाया है सचिन अग्रवाल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लगातार अपने 18 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सीखें, कामयाब हो, आपके परिवार में खुशियां आए, और आपकी वजह से हजारों लाखों परिवारों में खुशियां आए। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो काम की है तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी डाउनलाइन के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम और आप मिलकर बहुत सारे लोगों की मदद कर सके। इस वीडियो को इतने प्रेम से आपने देखा, आपकी जिंदगी में सफलता खूब से आ रही है, मेरी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।